गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट टू। तो 3.3 का हम पार्ट टू देखते हैं स्टूडेंट। तो 3.3 के पार्ट टू में हमें क्या कहा है बेटा, देखिए √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x प्लस −√8y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हमें गिवन है, हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने क्या अच्छा सॉल्व करना है, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, किसी एक इक्वेशन को हमने जो है स्प्लिट करना होता है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2। तो आप क्या कर लो, उसमें सेकेंड नंबर इक्वेशन को जैसे मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू आ जाएगी √3x इज इक्वल टू √8y। तो x की वैल्यू क्या रहेगी, √8/√3y, ये हमारे पास आ गया वैल्यू 3। ओके, तो ये 3 नंबर आ गया ना, तो इसे पुट किस में कर दो, पुट x इज इक्वल टू √8/√3y इन इक्वेशन नंबर 1 में आप इसको जो है पुट कर दीजिए, क्योंकि आपने सेकंड से वैल्यू फाइंड करी है, सेकंड से वैल्यू फाइंड करी है, और किस में पुट करोगे, 1 नंबर में, ठीक है। तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी √2, और x की वैल्यू क्या है, √8/√3, साथ में y प्लस √3y इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, रूट में √8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा √16/√3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो 16 का रूट क्या आ जाएगा, 4y, और इसके डिवाइड में कुछ नहीं आता, 1 एलसीएम, √3 और 1 का एलसीएम √3, √3 से मल्टीप्लाई, √3 को √3 से करोगे तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, 1 को इससे करोगे तो सेम ही आ गया, और y इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 4y, स्क्वायर से क्या हो गया, रूट कैंसल, प्लस 3y/√3 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 4y और 3y 7y, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0/7, तो y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हमारे पास y की वैल्यू 0 आ गई, तो अब आप क्या कर दोगे बेटा, पुट कर दोगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में आप इसको पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या की बना, x इज इक्वल टू √8/√3y, तो x इज इक्वल टू √8/√3, y की वैल्यू क्या है, 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर है x भी 0 और y भी 0, यही हमारे क्वेश्चन का इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फर्स्ट का लास्ट पार्ट। फर्स्ट के लास्ट पार्ट में आपको क्या कहा हुआ है, √3x/2 − 5y/3 इज इक्वल टू −2। सेकेंड इक्वेशन गिवन है x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6, ये हमें क्वेश्चन जो है वो गिवन है, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने सोल्व किया। तो देखो पहले तो देखो 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। 6 आपके पास एलसीएम आ गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा 9x, 2 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो 10y इज इक्वल टू −2, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9x − 10y, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे −12, इक्वेशन नंबर 1। और ये आ जाएगा आपके पास 6 एलसीएम, 2x + 3y, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 से ये मल्टीप्लाई हो गया y, 3y इज इक्वल टू 13/6, 6 से 6 कट, तो 2x + 3y इज इक्वल टू 13, ये क्वेश्चन नंबर 2।
तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर टू आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन को आप स्प्लिट कर लीजिए बेटा, कौन सी इक्वेशन को स्प्लिट करना है आपकी मर्जी है। देखो क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स के साथ 9 है, यहाँ पर वाई के साथ 10 है, एक्स के साथ 2 है, वाई के साथ 3 है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल जो है वो खाली नहीं है, सबके साथ कोई ना कोई वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में जरूर है। तो आप किसी भी एक इक्वेशन को जो है वो स्प्लिट कर लीजिए। सपोज कीजिए हमने सेकेंड नंबर इक्वेशन को स्प्लिट कर लिया, 2x 13, 3 जो है वो दूसरी साइड जाके माइनस 3y, तो x की वैल्यू क्या गया 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये 3 नंबर इक्वेशन। तो पुट कर दो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। देखो सेकंड नंबर इक्वेशन थी ना, ये सेकंड नंबर को हमने स्प्लिट करा था, तो सेकंड नंबर में पुट नहीं करेंगे हम इसको। हाँ, जिस इक्वेशन को स्प्लिट करना उसमें नहीं पुट करेंगे, उससे दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। अब हमने सेकंड इक्वेशन को स्प्लिट किया था, तो हम सेकंड में पुट नहीं करेंगे वैल्यू जो हमने निकाल लिया। ये हम इसे किस में पुट करेंगे, वन नंबर इक्वेशन में पुट करेंगे। तो वन नंबर इक्वेशन थी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, 9 एक्स की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2, माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, 9 को 13 से करोगे तो क्या आ जाएगा 117, 9 को 13 से कर दिया, 9 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 93 जा 27 अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। तो 117 इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। अब फिर दोबारा से इनका एलसीएम लीजिए, तो कितना आ जाएगा 117 माइनस का 27y, 2 को 10 से करोगे तो ये आ जाएगा 20y अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 12, 117 27 और ये कितना हो गया माइनस का 47, माइनस 12 इंटू 2 माइनस का 24, 117 माइनस 47y, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 47y माइनस का 24 माइनस 117, तो ये आ गया माइनस का 141 और माइनस 47y, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू आ जाएगी 141 अपॉन 47। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई है स्टूडेंट 3। तो y की वैल्यू एक वेरिएबल की जब आपको वैल्यू फाइंड हो जाए तो बस फिर आप जो किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर, चाहे अब आप 1 में पुट कीजिए या 2 में पुट कीजिए या 3 नंबर में पुट कीजिए, अब आप जिस मर्जी में कर सकते हो, लेकिन कब, जब आपको x या y एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाए तब आप जब किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को आंसर को पुट करके फाइंड कर सकते हो। 2y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, तो मैंने 3 नंबर में इसको पुट किया, तो 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3y की वैल्यू 3 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3 9 अपॉन 2, तो आ जाएगा 4 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने जो इस पार्ट में कंप्लीट कर लिया, ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, ये हम करने जा रहे हैं अब इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपको कहा होगा सोलो द फॉलोइंग इक्वेशन, सोलो द लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। आगे फिर इसमें कुछ और भी कहा हुआ है, पहले तो सिंपल इसको सोल्व करना है। तो सोल्व हम कैसे करते हैं, देखिए किसी एक इक्वेशन को देखो, यहाँ पर x के साथ 2 है, y के साथ भी 3 है, यहाँ x के साथ 2 है, y के साथ 4 है, तो हर किसी में जो वो x या y के साथ मल्टीप्लीकेशन में कुछ ना कुछ है, मतलब वेरिएबल के साथ कोई ना कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। तो इट मीन हम जो है वो इसको कोई सी भी इक्वेशन को स्प्लिट कर सकते हैं, इसमें ये नहीं बता सकते कि हमें कौन सी पर्टिकुलर इक्वेशन को स्प्लिट करना चाहिए। तो हम कर देते हैं, देखो इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट को स्प्लिट कर लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, तो 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x। आप चाहो तो 3y को भी इधर माइनस कर सकते हो और 2x को भी कर सकते हो, तो मैंने 2x को इधर माइनस किया, तो ये आ गया 11 माइनस 2x अपॉन 3,
ये हमारा 3 नंबर। तो अब आप पुट कर दीजिए, पुट वाई इज इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इसमें पुट कर दीजिए 2 नंबर इक्वेशन। 2 नंबर इक्वेशन क्या है, 2x-4y इज इक्वल टू -24। 2x-4y की वैल्यू 11 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू -24। तो यहाँ गया 2x 11, 4 को 11 से करोगे 44, 4 को 2 से करोगे 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू -24। 2 से 2 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो आप 1 लगा लो, एलसीएम ले लो उनका। 3 को 2 से करोगे तो ये 6x माइनस, ये आपका सेम ही रहेगा -44 -8x, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एलसीएम आ जाएगा। 3 1 जा 3 इज इक्वल टू -24। तो ये आपके पास वैल्यू आ गया 6x, और ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये -44 माइनस और माइनस प्लस 8x, और ये -24, 3 जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई। तो 6x+8x 14x -44 -72। तो 14x ये आ जाएगा -72 +44। तो 14x ये आ जाएगा -28। तो एक्स की वैल्यू आ गया -28/14। तो एक्स की वैल्यू -2। तो एक्स की वैल्यू तो आपके पास आ गया -2। तो अब आप क्या करोगे बेटा, पुट कर दोगे, पुट एक्स इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 3। 3 में हम पुट कर देते हैं, तो पुट वाई इज इक्वल टू 3 नंबर, ये था आपका वाई -11 -2x/3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 11 - 2, x की वैल्यू क्या आई है -2/3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 11+4/3। तो y इज इक्वल टू 15/3। तो y इज इक्वल टू 3। अब ये आपके पास वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3। लेकिन आगे भी इस क्वेश्चन में कहा हुआ है, आगे कहा हुआ है सेकंड नंबर क्वेश्चन में, सोल्व द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx+3। आपको गिवन है y इज इक्वल टू mx+3, ये आपको गिवन है। आपको m की वैल्यू भी फाइंड करनी है, लेकिन अब आपके लिए इजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जी, क्योंकि आपने x और y ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। तो y की वैल्यू क्या आई है आपके पास 3, m, x की वैल्यू आपके पास क्या आई है -2+3। तो 3 5 15 आना था, y की वैल्यू 5। तो 5 -2m+3, तो ये आ गया 5, 3 जो है वो इधर आ गया --2m, तो ये आ गया 2 -2m। तो m की वैल्यू आ जाएगी 2, ये -2 से डिवाइड में, तो -1। तो m की वैल्यू आ गया -1। यही आपका क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। आपको x और y पहले फाइंड करना था, फिर जो वो आपको इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है स्टूडेंट। ओके, गुड बाय बेटा। आइए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। थर्ड के फर्स्ट में हमें क्या कहा होगा, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व करना है। तो क्या कहा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। डिफरेंस जो है 2 नंबर का 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड दैम। और हमने सोलो किसे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहले से हमें क्या रखा है देखो क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब क्या कहा हुआ था, देखो डिफरेंस बिटवीन 1 2 नंबर इज 26। 2 नंबर का डिफरेंस कितना है, 26 है, और 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर, 1 नंबर 3 टाइम का अदर है। तो आप लेट कर लीजिए, लेट 1 नंबर इज इक्वल टू एक्स और अदर नंबर इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना। ये आपने लेट कर लिया कि 1 नंबर को एक्स और अदर नंबर को क्या लेट कर लिया है, वाई, ठीक है ना। तो अब हमें क्या कहा हुआ है क्वेश्चन में, वो देखिए क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। 2 नंबर का डिफरेंस कितना है, 26 है। तो 2 नंबर क्या है आपके पास, एक्स और वाई। तो आप
लिख लोगे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20, क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। फिर उन्होंने क्या कहा था कि वन नंबर इज थ्री टाइम द अदर, कि एक नंबर जो है ना एक्स यानी वो थ्री टाइम है, थ्री टाइम मतलब थ्री से मल्टीप्लाई है अदर के, अदर यानी कि वाई। तो ये आपकी हो जाएगी एक्स थ्री वाई इधर जाके माइनस इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर टू। इसी से ही देखो दूसरी इक्वेशन बन गई, तो वन और टू नंबर इक्वेशन होगी। अब आपको इनमें से किसी एक इक्वेशन को स्प्लिट कर लेना है, तो मैं सपोज करो ऐसे स्प्लिट कर लेता हूँ सेकेंड नंबर इक्वेशन को, एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई, इसको हमने स्प्लिट कर लिया, तो ये बन गया आपको इक्वेशन नंबर थर्ड। तो पुट कर दो एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई इन इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन में आप स्प्लिट कर लीजिए। इक्वेशन नंबर वन क्या थी, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26, एक्स की वैल्यू क्या थ्री वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो टू वाई इज इक्वल टू 26, तो वाई की वैल्यू आ गया 26 बाई टू, तो वाई की वैल्यू 30। तो अब आप क्या कर दोगे, एक वैल्यू जब आपके वाई फाइंड हो जाए तो आप जिस मर्जी में पुट कर दे, पुट वाई की वैल्यू 13 इन इक्वेशन नंबर थ्री। थ्री नंबर इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई, एक्स इज इक्वल टू थ्री, वाई की वैल्यू 13, तो एक्स इज इक्वल टू 13। तो ज़्यादातर केसेस में देखो अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं क्वेश्चन करता हूँ ना, तो एक वेरिएबल की जब मुझे वो वैल्यू फाइंड हो जाए, जैसे वाई की इसमें फाइंड हो गई, तो मैं ज़्यादातर थ्री इक्वेशन में ही पुट करता हूँ जब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो आप वो तो आपकी मर्जी है कि आप जिस मर्जी में पुट कर सकते हो, चाहे वन में पुट कीजिए या टू में पुट कीजिए या थ्री में पुट कीजिए, जब एक वैल्यू फाइंड हो जाए, ठीक है ना, एक्स या वाई की किसी की। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप लिख लोगे वन नंबर इज इक्वल टू एक्स, एक्स को आपने क्या एक्स लेट किया ना वन नंबर को, तो वो कितना आ गया 39, एंड अदर नंबर को आपने वाई लेट किया था, वो कितना आ गया है 30। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो गुड बाय, आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके गुड बाय।